हाय दोस्तों, मैं हूं शेफ महेश राम और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए आटे के हलवे की रेसिपी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे बनता है आटे के हलवा। सबसे पहले हम एक कप घी लेंगे दोस्तों, उसके बाद एक कप आटा और इसको हम भूनेंगे। स्लो आंच में इसको ब्राउन होने तक भुनेंगे दोस्तों। बहुत ही आसान रेसिपी है दोस्तों। इसको बनाने का एक खास तरीका होता है। किसी भी मेजरमेंट से ले लीजिए, कटोरी, वाटी या कप, उससे एक कप घी, एक कप आटा, एक कप शुगर और दो कप पानी और आटे का हलवा तैयार। जी दोस्तों, तो जब तक इसको हम भूनने रखे हैं तब तक हम शुगर और पानी की भी तैयारी कर लेते हैं। इसमें हम लेंगे, जैसा कि आपको कहा हमने कि दो कप इसमें हम लेंगे पानी। और एक कप मैंने मेजर करके रखा हुआ है शुगर। अब इसको हम दूसरे आंच पर रखते हैं, जब तक वो उबाल आएगा तब तक हमारा आटा भी भून के हो जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों, इसका कलर चेंज हो रहा है। 8 से 10 मिनट हो चुका है इसको स्लो आंच में भूनते हुए। कहते हैं दोस्तों, गुरुद्वारा में मिलने वाली प्रसाद है। और गुरुद्वारा में कहीं भी चले जाइए, दुनिया के किसी भी गुरुद्वारा में चले जाइए, आपको सेम टेस्ट मिलता है। उसका कारण है दोस्तों इसका मेजरमेंट। किसी भी माप से आप एक घी लीजिए, एक आटा, एक शक्कर और दो पानी। आप कटोरी से या कप से या ग्लास से किसी से भी माप सकते हैं, पर उसका यही मेथड है बनाने का। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दोस्तों जो शुगर और पानी का मैंने मिक्सर बनाया है। अब हम इसको धीरे धीरे ऐड करेंगे। आटा हो चुका है, इसको भूनने देंगे हम थोड़ा टाइम, जब तक ये घी ना छोड़ दे।
देख रहे हैं दोस्तों, अब ये घी छोड़ना स्टार्ट किया है, ये तकरीबन अब रेडी होने वाला है और 1 से 1.5 मिनट और हम भून लेंगे इसको। तो दोस्तों अब रेडी है आटे का हलवा, अब हम इसको डिश में खाली कर लेते हैं। थोड़ा सा बादाम से हम गार्निश कर लेंगे। रेडी है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। थैंक यू सो मच।